हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे सर। तो आज हम लोग 9.1 और क्वेश्चन नंबर 3, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाने जा रहे हैं। 3 है सरल कीजिए। क्या है जी? सरल कीजिए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2। देखिए क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2, ये है। अब देखो आपको इसको सरल करना है। सबसे पहले जो लाइक टर्म है, जो एक जैसा टर्म है, उसे एक जगह कर दो। अच्छा, आई बात समझ में? देखो यहां x है, यहां भी x है, यहां भी x है, ये सब एक जैसे हैं, ये लाइक टर्म हो गए, तो इनको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। कैसे रखेंगे ये देखो, 2x ये माइनस में 7x है, ये प्लस में 2x है, रख दिए। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस का चिन्ह दो, यहां देखो माइनस 3y और ये माइनस वाई, लिख दो आप माइनस 3y माइनस वाई। फिर हम क्या करेंगे, और क्या है अलग, प्लस 2। अब जरा देखो ध्यान से, ये 2x है और ये भी 2x है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना x होगा, 4x। 2x और 2x को प्लस करोगे तो कितना x होगा, 4x। हमने इसमें लिख दिया 4x माइनस 7x, फिर प्लस माइनस 3y और माइनस 4y मिलकर कितना y हो जाएगा, माइनस 4y होगा। अब प्लस 2, ध्यान से देखना, ये माइनस 7x है, इसमें से हम 4x सबट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस 3x प्लस माइनस 4y प्लस 2। माइनस 3x और माइनस 4y घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 4y और प्लस 2, ये हमारा आ गया आंसर। आया, इसको लिख लीजिए। बी नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बी पार्ट को। बी पार्ट क्या है, 5y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां 5y क्यूब है, लाइक टर्म में तो ये y क्यूब अकेले है ना, y क्यूब अकेले, तो हम लिख देंगे 5y क्यूब। अब प्लस का एक सिंबल दे दो, एक ब्रैकेट लो, y स्क्वायर वाले यहां, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, लिख देंगे माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, हो गया। और कहीं y स्क्वायर है क्या? नहीं है। अब देखो प्लस यहां पे 2y है, आप 6y है, और कुछ ऐसा नहीं है, नहीं है, माइनस 5 कर दिए। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस वन भी है। अच्छा, माइनस 1 यहां पे है, माइनस 1 हमने लिख दिया। अब देखो 5y क्यूब और ये माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आया है? क्योंकि माइनस 3y स्क्वायर है और ये प्लस 2y स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और ये माइनस वाला डिजिट बड़ा है इसलिए माइनस वाई स्क्वायर होगा। प्लस ये 2y है और ये 6y है, दोनों को हम प्लस करेंगे, हो जाएगा 8y, हो गया। माइनस 5 है अब प्लस, यहां माइनस 1 है, तो माइनस 5 और माइनस 1 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 6 होगा। अब जरा ध्यान से देखना यार, ये 5y क्यूब है, यहां लिख देंगे 5y क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y। अब रहा बात माइनस 5 और माइनस 1 मिलकर हो गया माइनस 6, ये हमारा फाइनली आंसर आया।
से जरा आप लोग राइट कर लीजिए। अब हम देखते हैं ये हमारा हो गया सी पार्ट, सी पार्ट। अब हम सी पार्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 6a माइनस 3b प्लस सी, माइनस 3b प्लस सी, माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। अब जरा आप देखो ये 6a है प्लस में और ये 6a है माइनस में, हम तो इसे यहीं पे काट देंगे, कट गया ना। अब देखो यहां माइनस 3b है, ये प्लस 3b है, इसे भी हम यहीं पे काट देंगे। अब हम हमारे पास बचा क्या, एक c बचा और एक 7c बचा, यानी कि टोटल मिला के 7c और 1c, मिलके कितना c हो जाएगा 8c। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, आसान है, जल्दी इसे लिख लीजिए। अगला हम लोग डी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। डी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या है 8x स्क्वायर प्लस 5xy, 8x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy माइनस 6y स्क्वायर, माइनस 6y स्क्वायर। अब जरा देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां पे x स्क्वायर वाले टर्म कितने हैं, 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और कहीं है x स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फिर एक प्लस का सिंबल देंगे। अब देखिए दूसरा हम किसको लेके चले जाइए, 5xy है और ये 2xy, अब इसको भी लिख दीजिए ब्रैकेट में 5xy प्लस 2xy। अब फिर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इसमें क्या है 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, फिर प्लस कीजिए। अब कुछ है क्या, देखिए तो जरा 8x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला टर्म तो हमने ले लिया, y स्क्वायर वाले टर्म को हमने रख दिया, नहीं x y वाले को रख दिया, अब कुछ नहीं है, ये प्लस का सिंबल हट जाएगा। 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 11x स्क्वायर, 5xy और 2xy दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 7xy प्लस माइनस 6y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 में 3 गया, कितना बचेगा 3 माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस वाला डिजिट बड़ा है इसलिए यहां पे माइनस 3y स्क्वायर होगा। अच्छा 11x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 3y स्क्वायर, आप इसे ऐसे लिख दो, अच्छा है आप चाहो हाँ ये भी ठीक है, ये ही पे आंसर कर दो। तो ये हमारा डी नंबर भी बन गया। अब इसे कंप्लीट करके हम फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 5 6 वो अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ये वीडियो में हम केवल इतना ही बना के आपसे लेते हैं इजाजत, गुड बाय। और हाँ जाते समय एक बात बोलेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय।